In the US, we have a lot of holidays, but Rakhi is a little piece of India that we'd like to take with us. It symbolizes the love between a brother and a sister. ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है वो एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। अभी ईद को सेलिब्रेट किया है। रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। तो फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीजों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी नाउ। कंट्री तो खत्म हो चुका है पहले, देयर इज नो कंट्री। आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ अ कंट्री, क्योंकि बाउंड्रीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, सॉवरेंटी आपकी को नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जाके कह रहा है इलेक्शन कराओ नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ऑफिशियल हॉलीडे, और रिसेंटली हमने देखा था लास्ट दिवाली पे व्हाइट हाउस में भी दिवाली सेलिब्रेट की गई थी जो बाइडेन की तरफ से। और दिवाली हो होली हो, ये दो फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं जो पूरे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, साउथ अमेरिका में भी अगर आप चले जाएं, ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना, उधर भी बहुत बड़े लेवल पे। हूं आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहां पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तुहानू उत्थे हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज रक्षाबंधन आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार खुश रहे। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि अमरीका यानी यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क। आप लोग को पता होगा न्यूयॉर्क काफी फेमस सिटी है, और वहां पे न्यूयॉर्क गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे ले सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं कटेगा, इसका कोई असर उनके जॉब पे नहीं पड़ेगा। एक तरीके से ऑफिशियल हॉलीडे नहीं, लेकिन जो मनाना चाहता है गवर्नमेंट ने उनके लिए हॉलीडे दे दिया ऑफिशियली। इसको सुन के पूरे पाकिस्तान मीडिया में शौक फैल गया कि यार होली एंड दीपावली पे तो वैसे ही पूरा अमरीका बंद रहता है और नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया जाता है। बट अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का क्रेज भी अमरीका में बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अमेरिकन लोगों भी में भी रक्षाबंधन के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में दबा के राखी बिक रही है इस साल, और इंडिया से अरबों रुपए की राखी अमेरिका समेत कई देशों में गई है, क्योंकि वहां के लोग अब राखी रक्षाबंधन फेस्टिवल को तेजी से मना रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान और अदर धर्म की बात करें, धर्म तो नहीं खैर मजहब होते हैं वो लोग या जो भी होते हैं उनकी बात, ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है वो एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीजों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है, और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आजाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना जीडीपी है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीजें हैं। लेकिन जब हमारे लीडर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि अगर अमेरिका को नाराज कर देंगे, सुपर पावर को नाराज कर देंगे तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, ये स्टेटमेंट शायद आपने सुनी हो, तो फिर शायद अमेरिका भी ऐसी ही स्टेटमेंट देगा। अमेरिका भी हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू नहीं समझेगा और ना ही हमारी कदर करेगा। मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैंने एक यूट्यूबर को सुना था, मैं उनका अभी नाम तो नहीं लूंगा, बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से। उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। बिल्कुल सही है, ये चीजें तो खैर पर क्या ही बात करनी। खैर सबको हैप्पी रक्षाबंधन, और आज का जो इवेंट है वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करें सारे, और हजारों साल जिए सारे जो बहनों के भाई हैं, और खुश रहे, आबाद रहे। ठीक है, हमारा कभी ऐसा नहीं होता। इवन अब उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है किसी मामले में, इंटरनेशनल अफेयर में हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। क्या वजह, हमारी क्यों नहीं जरूरत, हमारी वर्थ क्यों नहीं, हमारी वैल्यू क्यों नहीं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है,
क्योंकि हमारे मुल्क का कोई वजूद नहीं है, इसकी बिल्कुल उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी। ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान अवाम का हो रहा है, इंडिया की, यानी कि बाप का मुल्क है कि मुझे वजीर आजम नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूंगा, ठीक है। ये अपनी कुर्सी के लिए बस बैठे हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं। तो ये अवाम का कोई कसूर नहीं है, लीडरों का सिर्फ कसूर है? ये अवाम का ही कसूर है, ये चीज़ है ना? सबसे ज्यादा कसूर ही अवाम का है। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। इंडिया का बताएं, वो देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्होंने भी आगे कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इकॉनमी बेहतर है, दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। दिवाली जैसा कोई इवेंट है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या? क्योंकि उनकी हुकूमत पावरफुल होती है इंडिया की, इंडिया की। हमारी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं होता। तो उनकी हुकूमत को पावरफुल कौन बनाता है, अवाम या उनकी हुकूमत खुद? क्योंकि उधर चीज़ें होती हैं मेरिट पे, यहाँ पे मेरिट पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे फैसले कहीं और से होते हैं, फैसले कहीं और से होते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बात की है, फैसले कहीं और से होते हैं, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा सर ने, ठीक है जी। आइए, कहीं और से होते हैं। और ये जो है ना, एक बंदा है वो पहले उन्हीं लोगों को गलत कहता है, ठीक है, जब उसे वही लोग ऑप्शन देते हैं तो वो उनकी गोद में बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है, और जो गलत चीज़ें, जो झूठ फैला दिया गया है पाकिस्तान में, जो दुश्मन है उसे दोस्त बता दिया गया है, और जो दोस्त है उसे दुश्मन बता दिया गया है। ये बताएं, इंडिया का, हम कहते हैं इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, इंडिया इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया के रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बेहतर हैं, और हम क्यों नहीं सीखते इंडिया से? भाई इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं, ठीक है। वो हर लिहाज से हमसे आगे है, ठीक है। हमें सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि कश्मीर है, सब चीज़ें डिसाइड करते हैं ये अपने घर। अच्छा, कश्मीर की बाद में बात करते हैं, अपने यहाँ पे हालात ठीक हैं जो हम कश्मीर की बात करें? कोई हालात ठीक नहीं। नेशनल न्यूज़ पे अभी ये खबर चल रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मामले में, किसी भी इंटरनेशनल अफेयर या मैटर में पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हमारी इंसल्ट हो रही है और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, वजह क्या है? वजह यही है कि ये दोगली पॉलिसी है, अमेरिका जो है ना शुरू से हमारे साथ नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम और मुसलमानों का जो है ना कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता, और वैसे पब्लिक भी चले, अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम का आप ले आते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल अफेयर की अगर बात की जाए तो इंसानियत के तौर पे चलना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी राय है, और आपकी राय के मुताबिक बात करता हूँ, मुस्लिम गैर मुस्लिम ले आते हैं, चाइना भी तो गैर मुस्लिम है। हाँ, चाइना गैर मुस्लिम है ना, यहाँ मफादात देखते हैं, जान को मफादात देंगे वहाँ रहेंगे ना। जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी मतलब जो जितने भी पॉलिटिक्स मेंबर्स हैं, वो अपने मफादात के लिए अपने मतलब वो यूटर्न ले लेते हैं ना, ले लेते हैं। इंडिया की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है, इंडिया की जो उनसे कोई भी उनकी दिवाली हो या कोई ऐसा इवेंट हो, क्यों मनाया जाता है? प्रेसिडेंट मना रहा है यूएस का, वो उसकी वजह ये है ना कि उनका आपस में लिंक्स अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उन्होंने कुछ किया ऐसा? जाहिर सी बात है, वो उनका जो बिजनेस है, इंडियन बिजनेस है, उनकी इकॉनमी है, वो ज्यादा अच्छी है। अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं, हम अपना बिजनेस, अपनी इकॉनमी क्यों नहीं अच्छी करते? हमारे पॉलिटिक्स की वजह से, हमारे रूल्स और जो हमारे SOPs हैं वो आवाम, आम इंसान के लिए, आवाम पब्लिक के लिए और हैं, इनके इंटरनेशनल जो बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए और हैं। तो उनमें भाई बहन से रिलेटेड कोई ऐसा फेस्टिवल ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ कोई फेस्टिवल नहीं है मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म में जो भाई बहन के प्रेम को और बढ़ाते हो, ठीक है। और दिविक भाई ने जैसा कि आप लोगों को इंट्रो में बताया अनम शेख के साथ, कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं सगे, उनको लोग अकेला भी नहीं छोड़ते माता पिता। अब रीजन क्या है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं यार, इतना समझदार आप लोग होंगे कि भाई बहन को जिस धर्म में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर वो कैसा धर्म है, अब आप ही लोग समझ सकते हैं, खास करके पाकिस्तान में ऐसा होता है। अब यार ये तो अजीब है, लेकिन यार हिंदू धर्म में यार भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है, सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, और दुनिया इसको मान रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, इसीलिए तो ये फेस्टिवल वाइडली फेमस हो रहा है, अमेरिका के लोग इसे दबा के मना रहे हैं रक्षाबंधन को। तो यार काफ़ी प्राउड फेस्टिवल है, और हिंदू का दिया हुआ बहुत ही बड़ा उपकार है ये दुनिया पे, अगर ये वाइडली मनाया जाने लगा तो यार कितने भाई बहन हिंदू धर्म के अलावा भी एक दूसरे के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा। जो हिंदू धर्म के हैं वो तो सब मनाते ही हैं, बट अदर धर्म के लोग भी फिर अपने भाई बहन के प्रति जो उनका रिश्ता होगा वो मजबूत होगा। तो हिंदुत्व दुनिया को ये सब दे सकती है और दे रही है, यही है हिंदुत्व की कैपेसिटी जो दुनिया धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रही है।
जो अच्छी चीजें हैं वो धर्म मना नहीं कहता, कोई भी धर्म हो यार, ईसाई धर्म जो है वो ये थोड़ी कहता है कि हिंदुओं की अच्छी चीज को कैच मत करो, वो कहता है कि यार जो भी अच्छी चीज है उसको अडॉप्ट करो। लेकिन यार ये पाकिस्तानी मुसलमान, मैं इंडियन मुसलमान की बात नहीं करता, वो ये इंडियन मुसलमान भाई लोग तो दीपावली भी मनाते हैं, अदर फेस्टिवल भी मनाते हैं, और मेरे इधर भी मुसलमान लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, खैर जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान के अंदर जो कट्टरपंथता है, और भाई वो मतलब एकदम इनटॉलरेबल है यार, इनको मतलब क्या बोलूँ मैं, जितना भी जाहिल लोग हैं। अब बताओ यार, जिस देश में सगे भाई बहन को एक साथ ना छोड़ते हो माता पिता, तो फिर इससे घटिया बात क्या हो सकती है। तो यार आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके भाई बहन स्वस्थ रहे, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन, अगर धन्यवाद।